नमस्कार, मैं शुमारी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली भर्ती के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। अगले 10 दिनों में हटेगा अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल का मलबा। तय हुआ वंदे भारत के पटना से रांची ट्रायल रन का समय। आईएमए की परेड से बिहार के 33 जेंटलमैन कैडेट्स बने सैन्य अफसर। रहाणे ने अपनी चोट पर दिए गए बयान से जीत लिया लाखों फैंस का दिल। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली भर्ती के अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत। बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली भर्ती के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्हें फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो रही है, उनके लिए आयोग की वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर वो फॉर्म भरने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 10 जून से 13 जून यानी कि 3 दिनों का समय दिया गया है कि वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर लिंक के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करें। उसके बाद ये अभ्यर्थी 15 जून से 12 जुलाई तक शिक्षक बहाली भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा के 20 अफसर बनाए गए संपर्क पदाधिकारी। 17 जून को पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। इस बैठक में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पदाधिकारियों के संपर्क पदाधिकारी के तौर पर बिहार के 20 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ये अधिकारी 15 जून से लेकर 18 जून तक गृह विभाग में प्रतिनियुक्त रहेंगे। इसके पहले बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के 6 पदाधिकारियों को भी गृह विभाग में प्रतिनियुक्त किया गया था। ये अधिकारी 12 जून से लेकर 18 जून तक गृह विभाग में प्रतिनियुक्त रहेंगे। जिनकी प्रतिनियुक्ति की गई है उनमें हीरामुनि प्रभाकर, सुशील कुमार मिश्र, रविश किशोर, अजीत कुमार, शैलेश कुमार, अनिल कुमार पांडे, अजय कुमार पांडे सहित 20 ऑफिसर शामिल हैं। अगले 10 दिनों में हटेगा अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल का मलबा। भागलपुर में अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल का मलबा हटाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए मुंबई की एक्सपर्ट टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और ध्वस्त पुल का निरीक्षण कर जायजा लिया है, जिसके बाद बताया गया है कि मलबा हटाने का काम अगले 10 दिनों में कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अगवानी सुल्तानगंज गंगा पुल के ध्वस्त होने के बाद कोलकाता से 750 HP का पोकलेन मशीन मंगाया गया है। निर्माण कंपनी के अधिकारी से एक्सपर्ट टीम ने बातचीत करते हुए तकनीकी पहलू की गंभीरता से विचार विमर्श किया है, उसके बाद यह निर्णय लिया गया है। बताते चले कि 1710 करोड़ की लागत से बने इस पुल के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 थी। तय हुआ वंदे भारत के पटना से रांची ट्रायल रन का समय। पटना से रांची के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन की इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। आपको बता दें कि 12 जून को इसका परिचालन पटना से रांची तक किया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान वंदे भारत सुबह 6:55 में पटना से खुलेगी और दोपहर 1 बजे रांची पहुंचेगी। पटना से रांची के बीच इसका 6 स्टेशनों पर ठहराव होगा, जिसमें जहानाबाद, गया, कोडरमा, बड़काकाना, हजारीबाग और मिसरा शामिल हैं। वापसी में रांची से यह ट्रेन 2:20 में खुलेगी। आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे जोन में वंदे भारत के परिचालन से जुड़े शीर्ष अधिकारी ने विभागीय पत्र जारी कर दानापुर रेल मंडल को यह निर्देश दिया है। फर्स्ट बिहार विमेन खो खो लीग के लिए मुंगेर की 12 खिलाड़ियों का हुआ चयन। लगातार बिहार की प्रतिभा सामने निकलकर आ रही है और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन कर रही है। इस बीच बिहार के मुंगेर जिला से 12 ऐसी महिला प्रतिभा उभर कर सामने आई हैं। आपको बता दें कि पहली बार खो खो को बढ़ावा देने के लिए बिहार में भारतीय खो खो महासंघ से मान्यता प्राप्त इकाई खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा संत मैरी स्कूल मसौढ़ी पटना के प्रांगण में 8 जून से 12 जून को फर्स्ट बिहार विमेन खो खो लीग खेला जा रहा है, जिसमें भाग लेने के लिए मुंगेर जिला खो खो संघ की कुल 12 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं इस लीग के लिए ओपन सिलेक्शन ट्रायल के माध्यम से कुल 120 प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ है। आईएमए की परेड से बिहार के 33 जेंटलमैन कैडेट्स बने सैन्य अफसर। भारतीय सेना को पासिंग आउट परेड से 331 सैन्य अफसर मिले हैं। भारतीय सैन्य अकादमी में चैटवुड भवन के सामने पासिंग आउट परेड ठीक सुबह 6:30 शुरू हुई। रिव्यूइंग अफसर के रूप में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। वहीं आज आईएमए की पासिंग आउट परेड से सैन्य अफसर बनने वालों में से सबसे ज़्यादा 63 जेंटलमैन कैडेट्स उत्तर प्रदेश के, तो वहीं बिहार 33 जेंटलमैन कैडेट्स के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हरियाणा 32 कैडेट्स, तो वहीं चौथे नंबर पर महाराष्ट्र 26 कैडेट्स और पाँचवें नंबर पर 25 कैडेट्स के साथ उत्तराखंड रहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मित्र देश के 42 जेंटलमैन कैडेट्स भी परेड में शामिल हुए थे।
हाई कोर्ट में केस दर्ज करना अब नहीं होगा आसान। अब पटना हाई कोर्ट में केस दर्ज करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रॉय की सिंगल बेंच ने कोर्ट में दर्ज होने वाले मुकदमों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट के ओथ कमिश्नर को निर्देश दिया है कि किसी भी तरह के मुकदमा दर्ज करने से पहले नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। केस दायर करने वाले शपथकर्ता को हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त ओथ कमिश्नर के समक्ष उपस्थित होकर ओथ रजिस्टर और हलफनामा के पन्ने पर हस्ताक्षर करना होगा। आपको बता दें कि अब तक शपथकर्ता नहीं के बराबर उपस्थित होते थे। हाईकोर्ट ने कहा है कि शपथकर्ता से सादे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उसे हलफनामा के लिए इस्तेमाल करने की परंपरा अब नहीं चलेगी। राज्य में बिजली की डिमांड का पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। राज्य भर में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। इस बीच बिजली की खपत भी काफ़ी हो रही है। ऊर्जा विभाग की सफलता कह सकते हैं कि इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ बिजली की मांग के बावजूद भी बिजली की आपूर्ति की गई है। आपको बता दें कि इस वर्ष पीक आवर में बिजली की मांग बढ़कर अपने उच्चतम स्तर 6983 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो कि पिछले साल बिहार में बिजली की सर्वाधिक 6738 मेगावाट की मांग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपको बता दें कि गुरुवार को रात 9:11 पर बिजली की मांग 6983 मेगावाट हो गई। बावजूद इसके ऊर्जा विभाग द्वारा बिजली के पीक डिमांड को पूरा किया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस ने सभी अभियंताओं को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव के मार्गदर्शन और दूरदर्शिता की वजह से यह संभव हो पाया है। गंडक नदी के रास्ते लाई जा रही थी शराब की खेप। बिहार में शराब बंद होने के बाद भी धड़ल्ले से शराबों की तस्करी होती आई है। आए दिन तस्करी का मामला सामने आते हैं। इस बीच एक और मामला गोपालगंज से आया है, जहां गंडक नदी के रास्ते शराबों की तस्करी की जा रही थी। इस संदर्भ में उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नाव द्वारा गंडक नदी के रास्ते शराब लाई जा रही है। प्राप्त सूचना के आधार पर उत्पाद की टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर छापेमारी की। छापेमारी में 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया है। फिलहाल बरामद शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग की कार्रवाई जारी है। महिलाओं के लिए किए गए कल्याणकारी कार्यों की चर्चा। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार द्वारा जन जन तक मोदी सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत बीते दिन बिहार बीजेपी महिला प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा के द्वारा प्रेस वार्ता कर पिछले 9 सालों में मोदी सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए कामों को गिनवाया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं के लिए किए गए कार्यों को महिला मोर्चा के द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाया जा रहा है। लाभार्थी बहनों के साथ बैठकर बात करके योजना के बारे में चर्चा की जा रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन बहनों को लाभ मिला है उन्हें हम लखपति बहन बुलाते हैं। प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम महिलाओं के लाभ के लिए हैं। 6,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को दिया जा रहा है। सेना में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 20 जून से 30 जून तक जनसंपर्क अभियान महिलाओं के साथ किया जाएगा। आज से पर्यटकों के लिए खुल गया बिहार के इस जिले में भी तारामंडल। राजधानी पटना के बाद अब बिहार के दरभंगा जिले में भी तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि तारामंडल को 15 जून की बजाय 10 जून को ही पर्यटकों के लिए खोल दिया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभाग द्वारा प्रवेश निकास एवं शो का समय निर्धारित किया गया है। दिन के 11 बजे से 11:45 तक 2D शो दिखाया जाएगा, जिसके लिए 10:30 बजे आपको प्रवेश मिलेगी। इसके बाद का शो 12:15 से 1 बजे तक 3D में दिखाया जाएगा, जिसके लिए प्रवेश 12 बजे लिया जाएगा। वहीं 2:15 से 3 बजे तक फिर से 2D शो दिखाया जाएगा, जिसके लिए 2 बजे प्रवेश लिया जाएगा। गाड़ी पार्किंग के लिए लोगों को शो समाप्त होने के बाद वहां से गाड़ी हटाने की बाध्यता होगी। पार्किंग शुल्क की बात करें तो 1.5 घंटे के लिए साइकिल का 5 रुपये, बाइक का 20 रुपये, निजी 4 चक्का का 40 रुपये, हेलमेट के लिए 5 रुपये, मिनी बस जीप कैब टैक्सी टेम्पो के लिए 50 रुपये, पर्यटक बस के लिए 100 रुपये निर्धारित की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि तारामंडल के अंदर कुल 150 सीट और 3 गेट हैं। जदयू एवं राजद नेता के करोड़ों की संपत्ति की गई जब्त। बिहार के प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 5 जून को जदयू MLC राधाचरण सेठ, राजद नेता सुभाष यादव और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें ED को 1.5 करोड़ रुपए नगद, इसके बाद 6 करोड़ रुपए की फिक्स डिपॉजिट के दस्तावेज जब्त किए। साथ ही ED ने करीब 60 खाते फ्रीज करवाए हैं। बीते दिन जारी किए गए प्रेस में दिए गए बयान में कहा गया है कि बालू खनन से जुड़ी ब्रॉडसन
कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और इनकी सहायक कंपनियों द्वारा बिहार सरकार को करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि 5 जून को पटना, झारखंड के धनबाद और हजारीबाग में करीब 27 ठिकानों और कोलकाता में 2 फर्मों ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े निदेशकों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और अन्य सहयोगियों के परिसरों में छापेमारी की गई है। लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति को लेकर बसपा की बैठक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां रणनीति में बनाने में जुट चुकी है। इसको लेकर पटना में बसपा के प्रदेश कार्यालय में बीते दिन प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा चुनाव में बिहार प्रदेश में बसपा की रणनीतियों पर चर्चा हुई। प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने कहा कि आज जरूरत है बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्यादा से ज्यादा छोटे छोटे बस्ती से लेकर प्रत्येक गाँव के बूथ स्तर पर जाकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानेवर कांशीराम जी के विचारधाराओं पर बहन मायावती जी की सोच और उनके भावनाओं की चर्चा करें। रहाणे ने अपनी चोट पर दिए गए बयान से जीत लिया लाखों फैंस का दिल। पहली पारी में बल्ले से अहम योगदान देने वाले अजिंक्य रहाणे की उंगली में चोट लग गई थी। इस दौरान रहाणे काफी दर्द में नजर आए, हालांकि उन्होंने फिर भी बैटिंग नहीं छोड़ी और भारतीय टीम को फॉलो ऑन से बचाया। इस बीच तीसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद रहाणे ने अपनी चोट को लेकर अपडेट दिया। रहाणे ने बताया कि उन्हें इस चोट से काफी दर्द जरूर हो रहा है, लेकिन इससे उनकी बल्लेबाजी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने साथ ही में कहा कि मैं अपनी बल्लेबाजी से काफी खुश हूँ, आज का दिन अच्छा रहा। रहाणे ने कहा कि हमारे लिए इस वक्त जरूरी है कि हम सेशन के अनुसार अपने खेल को आगे बढ़ाएं। चौथे दिन का शुरुआती एक घंटा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को जल्द से जल्द आउट करना चाहेंगे। आज भी नहीं बदले पेट्रोल डीजल के दाम। आज 10 जून 2023 और दिन शनिवार है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज भी आम लोगों के लिए अच्छी और रात भरी खबर है। भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 10 जून 2023 के लिए पेट्रोल और डीजल के आज के भाव जारी कर दिए हैं और इसी के साथ पटना में आज पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल 94 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल जल्द सस्ते हो सकते हैं, इसके दो कारण हैं। पहला, अप्रैल में कच्चे तेल के दाम 83 रुपये 76 पैसे डॉलर प्रति बैरल थे, जो गुरुवार को 74 रुपये 85 पैसे डॉलर हो गए हैं, यानी डेढ़ माह में दाम 10.63% और 13 महीने में 31.65% लगभग एक तिहाई घट चुका है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, मनोज कुमार, रवि कुमार राम, रविशंकर, कुमारी संजना, रंजीत मिश्रा, मुटू रंगीला, जनार्दन शर्मा, दीपक कुमार, जियान अहमद, कन्हैया कुमार, अमन कुमार, अनवर करीम खान और नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि मैच की स्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है, कौन सी टीम लेकर जाएगी WTC कप? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।